देवास में एक युवक लड़कियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला देवास के बरोटा क्षेत्र का है। आरोपी युवक लड़कियों के फोटो को गलत तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी के खिलाफ 40 युवतियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी अभिषेक नापाखेड़ी बरोठा का निवासी है, जो 25 इंस्टाग्राम आईडी चलाता था। मामले में आरोपी से और पूछताछ की जा रही है। इसमें पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें कि ये व्यक्ति लोगों के फोटोग्राफ्स को मॉक करके उनको इंस्टा आईडी बनाया था, उसने इंस्टा 40 के नाम से, और उसमें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे नेक्सस को हम लोगों ने नैप किया है, इसको पकड़ा है, और इसमें काफी बड़ी संख्या में एक रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। देवास से विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि आरोपी युवक महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा था। जिन युवतियों ने शिकायत दर्ज करवाई वो हिम्मत वाली लड़कियां हैं। देवास में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये बच्चियों ने मुझे अप्रोच किया था जब ये आरोपी इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, इनके आईडी में इनके परिजनों के आईडीज को हैक करके, इनके खुद के आईडीज को हैक करके इनके पिक्चर्स वहाँ से निकाल रहा था, इनके अकाउंट्स से, और उनके फेस लेके, दूसरी बॉडी लगा के उनका फेस लगा के, और अपने 25 से ज़्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, उस पर वो चला रहा था और इन बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं धन्यवाद देने अभी इन बच्चियों से मिली, क्योंकि इनकी हिम्मत देखी है, ये डरी नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुई, ये सीधे मेरे पास आई, इन्होंने शिकायत की, मैंने एसपी साहब से बात की, और आज मैं पूरे पुलिस बल को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना फास्ट कदम उठाते हुए उन लोगों ने इस लड़के को पकड़ा है, उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं खास यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे काम देवास में बिल्कुल नहीं चलेंगे। महिला अपराध को हमने जीरो करके रखा हुआ है देवास में, वो जीरो ही रहेगा। अगर कोई ऐसा अपराध करता है उसे सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।